गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और उम्मीद करता हूं कि हम लोग निरंतर आपको वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स पे बना के आपके पास तक पहुंचा रहे हैं, इसका लाभ आपको अवश्य मिल रहा होगा बच्चों। तो आइए, इस उम्मीद के साथ आज एक नया विषय, एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपका पाइथन में जिसको कहते हैं बच्चों स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से तो आप सब भली भांति परिचित होंगे। अगर पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में यानी संदर्भ में मैं कहूं कि स्ट्रिंग क्या है, तो सबसे पहले इट इज एन एग्जाम्पल। स्ट्रिंग क्या है? एन एग्जाम्पल of sequence, मतलब कि स्ट्रिंग तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? पाइथन के हिसाब से सीक्वेंस का। होता क्या है ये सीक्वेंस? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन of items stored। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है किसका? आइटम्स का, जिसको कि स्टोर कहां पे किया जाता है, जिसको कि हम लोग स्टोर करते हैं ऑन टू द मेमोरी। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, वॉट इज दिस सीक्वेंस? तो सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, कोई अल्फाबेट, है ना, कोई डिजिट, कोई सिंबल, एनीथिंग जो कि पाइथन सपोर्ट करता हो। तो बच्चों, स्ट्रिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन में, और वो एग्जाम्पल है किसका? सीक्वेंस का। अब आइए आगे बढ़ता हूं मैं और आपको बताता हूं कि स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करोगे। हाउ वी कैन डिफाइन स्ट्रिंग? तो अ स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ, स्ट्रिंग बच्चों कलेक्शन है किसका? नंबर्स, और किसका? अल्फाबेट्स, कॉमा सिंबल्स का, इनक्लोज्ड विद इन, किसके अंतर्गत इनक्लोज्ड किया जाता है बच्चों? सिंगल कॉमा डबल और ट्रिपल कोट्स। इस बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि स्ट्रिंग तुम्हारा है क्या। तो स्ट्रिंग आपका कलेक्शन है किसका? नंबर्स यानी डिजिट्स का, अल्फाबेट्स का और सिंबल्स, कोई भी वो सिंबल जिनको पाइथन सपोर्ट करता है। आप इनको, इन सिंबल्स को अगर सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स में आप क्या करते हो, स्टोर करते हो मेमोरी पर, तो वही आपकी क्या है? स्ट्रिंग है। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल स्ट्रिंग, एग्जांपल कैसे हम बनाएंगे स्ट्रिंग को? आपने लिखा str इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में इंडिया, चाहे आप लिख दें ये str1 कर लीजिए, str2 इज इक्वल टू डबल कोट्स में आप चाहे दे दीजिए कोई स्ट्रिंग इंडिया, या आप बच्चों str3 इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स में दे दीजिए क्या, इंडिया। या देखिए str1 कहो, चाहे str2 कहो, चाहे str3 कहो, तीनों के तीनों तुम्हारे एग्जाम्पल हैं किसके? स्ट्रिंग के। ये ऑल
थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग. आपको अगर चेक करना है बच्चों, अगर पाइथन में चेक करना है कि ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए वो स्ट्रिंग कैसे हैं, कैसे आप सिद्ध करेंगे, तो बहुत क्लियर तरीका है. आपको बस कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है, आप पढ़ेंगे आगे टाइप, और आप उसमें जिस वेरिएबल का टाइप पता करना है, मान लीजिए str1 का टाइप आपको पता करना है, बस आप ये लिखिए, आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा क्लास str, अर्थात ये जो वेरिएबल इसको आपको ऐसे यूज करना है, टाइप फंक्शन है तो ऐसे str1 ये वेरिएबल का नाम हो गया, और पाइथन तुम्हें क्या आंसर देगा, क्लास str, यानी ये जो str1 वेरिएबल है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये पाइथन का एक डिफाइंड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है. तो देखिए ये एक बड़ा ही सिंपल तरीका है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का. पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, जिनको भी आप डिनोट कर सकते हो, किसके अंतर्गत, सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स के अंतर्गत क्या कर सकते हो, इंडिकेट. अब आइए देखिए, स्ट्रिंग को हम कहते हैं कि स्ट्रिंग इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. कैसे ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम का, इसको अगर आपको समझना है तो आप एक स्ट्रिंग बनाइएगा. पहले मान लीजिए आपने बनाया str इज इक्वल टू, सबसे जो पॉपुलर तरीका है स्ट्रिंग डिनोट करने का बच्चों वो डबल कोट से है. द मोस्ट पॉपुलर वे टू डिनोट द स्ट्रिंग इज इन डबल कोट्स. अब आप देखो जैसे आप ये बनाओगे मेमोरी पर, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जरा ये तरीका आप देख लीजिए, आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई एन डी आई ए वेरिएबल का नाम आपने क्या दिया है बच्चों, एस टी आर. अब देखिए 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 क्या है, इसको कहा जाता है इंडेक्स. हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स बोलते हैं. और पाइथन इकलौती ऐसी लैंग्वेज है शायद पूरी दुनिया में जिसमें जिसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट में डबल इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट है. सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, वहां सिंगल टाइप का इंडेक्स था, क्या पॉजिटिव इंडेक्स, कि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू जो भी चले. लेकिन पाइथन में बच्चों आप देखिए दोनों, इसको कहा जाता है पॉजिटिव और इसको मैं क्या कहूंगा निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, ये कैसा इंडेक्स है भाई, ये निगेटिव इंडेक्स है. और आप इन दोनों इंडेक्स वैल्यूज की मदद से स्ट्रिंग के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के आइटम को यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आपको इस डी को चाहिए, अगर आपको डी को एक्सेस करना है बच्चों तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग का नाम str, और str के बाद किस पोजीशन पे है डी, तो पॉजिटिव में 2 पे, निगेटिव में माइनस. अगर आपने -3 कर दिया तब भी तुम्हें डी मिल जाएगा, अगर आपने str 2 कर दिया पॉजिटिव से तब भी आपको डी मिल जाएगा. देख लीजिए डबल इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल इन पाइथन, इकलौती ऐसी लैंग्वेज है, इसीलिए पाइथन इतने कमाल की भाषा है. और बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, आपका जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट मोडिफाई आफ्टर इट्स क्रिएशन इज कॉल्ड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे बनने के पश्चात, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, आप ऐसे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि रीड ओनली ऑब्जेक्ट, तो गलत नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, कि स्ट्रिंग कैसे आपकी बच्चों क्या है, इम्यूटेबल है। देखो तुमने कोई स्ट्रिंग बनाई, मान लीजिए str बराबर INDIA, इंडिया इज अवर कंट्री, स्ट्रिंग बन गई। तुम str को प्रिंट करोगे, आंसर क्या देगा, इंडिया जो उसमें स्टोर है। अब आप क्या चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग के किसी पोजीशन की वैल्यू को मुझे बदलना है। जैसे आई को रिप्लेस मैं करना चाहता हूं एम से, यानी आई वॉन्ट न्यू स्ट्रिंग एम, एन डी आई ए, मिंडिया। कैसे करेंगे आप बच्चों इसको, आप जैसे ही ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि एस टी आर की आई किस पोजीशन पे है, जीरो बराबर एम, यानी कि एस टी आर की जीरोथ पोजीशन पर हम डालना चाह रहे हैं आई के स्थान पर क्या, एम को। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, पाइथन तुम्हें क्या देगा, यहां पे मैं बता रहा हूं बच्चों, पाइथन गिव्स यू एन एरर, पाइथन आपको एक एरर मैसेज दे देगा। क्या वो एरर मैसेज होगा, कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या str ऑब्जेक्ट कैन नॉट असाइंड आइटम असाइनमेंट, यानी दूसरे शब्दों में सरल भाषा में मींस क्या है उस एरर का, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या देगा, कि भैया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आइटम असाइनमेंट अलाउड नहीं होता, अर्थात आप बनाने के बाद स्ट्रिंग में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये वो बेसिक जानकारियां हैं, ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको स्ट्रिंग के लिए जरूरी है। स्ट्रिंग में एक प्रोसेस और होता है बच्चों, ट्रैवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। ये ट्रैवर्सल क्या है, इट इज द प्रोसेस टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग वन बाई वन, माने एक एक करके आप अगर स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो बच्चों, तो उसे ही ट्रैवर्सल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल दिखाता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है स्ट्रिंग ट्रैवर्सल का। देखिए आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, लेट एस टी आर बराबर सेम स्ट्रिंग इंडिया, आपको इसमें ट्रैवर्स करना है। आप लूप चलाइए, फॉर का स्पेशल लूप है जो स्ट्रिंग पर ही चलने के लिए बना है, या मैं कहूं सीक्वेंस पर ही ऑपरेट करने के लिए बना है। तो फॉर आई इन एस टी आर और प्रिंट आई को कर दीजिए। यहां देखिए एस टी आर में क्या स्टोर किया आपने, इंडिया। ये फॉर का लूप चलेगा, फॉर आई कब तक चलेगा, जब तक एस टी आर में कोई वैल्यूज होंगी, और एक एक करके फ्रॉम इंडिया है तो आप देख ही रहे हैं, पांच साइज है, 0, 1, 2, 3, 4 आई एन डी आई ए। तो सबसे पहले आई किस पोजीशन पे होगा, जीरोथ पोजीशन पे, प्रिंट करेगा आई, तो आई का मान यहां क्या आएगा, आई का मान आएगा आईथ पोजीशन, यानी जीरोथ पोजीशन पे आई स्वयं है। फिर आई बढ़ के पहुंच जाएगा कहां पे, वन पोजीशन पे, प्रिंट कराओगे तो वन पोजीशन की वैल्यू एन नई लाइन पे, प्रिंट न्यू लाइन पे आउटपुट ले जाता है। फिर अगली पोजीशन पे जाएगा डी आएगा, फिर मूव करेगा नेक्स्ट पोजीशन पे आई आएगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करेगा ए आएगा। अब आगे मूव करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो लूप वहीं से अपने आप
टर्मिनेट हो जाएगा। यही वो प्रोसेस है जिसे बच्चों हम लोग ट्रैवर्सल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्ट्रिंग क्या है, पाइथन में कैसे बनाते हैं, उस पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस क्या करते हैं थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी कंप्लीट ऑपरेशंस स्ट्रिंग पर क्या हो सकते हैं, स्ट्रिंग को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए बच्चों तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ ऐप को डाउनलोड कर लेना है यूनिक ग्रुप के और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप पाइथन के, जिसमें मैं कंप्लीट नॉलेज आपको बच्चों दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी, अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर नए वीडियोज़ को बनाने के वादे के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।